युवा देश का भविष्य होता है, इसलिए कहा जाता है कि जब युवा पढ़ेगा तभी देश आगे बढ़ेगा। लेकिन अगर युवा बीच रास्ते में ही अपनी लड़ाई छोड़ दे तो ये चिंता का विषय है। और भारत में इस समय ऐसा ही कुछ देखने को मिल रहा है, क्योंकि पिछले 5 सालों में सेंट्रल यूनिवर्सिटीज, IITs और IIM से रिजर्व कैटेगरी के 13,600 से भी ज्यादा छात्र ड्रॉप आउट हुए हैं। इन छात्रों ने पढ़ाई पूरी होने से पहले ही कॉलेज छोड़ दिया। ये बात तब सामने आई जब सोमवार को लोकसभा में बहुजन समाजवादी पार्टी के रितेश पांडे ने यूनियन मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर एजुकेशन सुभाष सरकार से एक सवाल पूछा, जिसके जवाब में राज्य मंत्री ने इन आंकड़ों को सामने रखा। केंद्रीय विश्वविद्यालयों के बारे में सरकार ने कहा कि पिछले 5 सालों में कुल 4,596 OBC, 2,424 SC और 2,622 ST छात्रों ने अपनी पढ़ाई छोड़ दी है। जिनमें से अगर IIT के छात्रों की बात करें तो IIT के OBC के 2,066, SC कैटेगरी के 1,068 और ST कैटेगरी के 408 छात्रों ने पढ़ाई छोड़ दी है। जिसको लेकर राज्य मंत्री सुभाष सरकार ने कहा, हायर एजुकेशन सेंटर में स्टूडेंट्स के पास ढेर ऑप्शन होते हैं, ऐसे में वो एक इंस्टीट्यूशन से दूसरे इंस्टीट्यूशन में दूसरे कोर्सों में शिफ्ट हो जाते हैं। जबकि IIM के छात्रों की बात करें तो OBC कैटेगरी के 163, SC कैटेगरी के 188, ST कैटेगरी के 91 छात्रों ने पढ़ाई छोड़ दी है। जबकि रिजर्व कैटेगरीज के 13,600 से ज्यादा छात्रों ने IIM, IIT में अपनी शिक्षा बंद कर दी है। वहीं सुभाष सरकार ने कहा कि ड्रॉप आउट रोकने के लिए लगातार प्रयास किए जा रहे हैं, छात्रों के लिए फीस कम की जा रही है, नए इंस्टीट्यूट्स बनाए जा रहे हैं, स्टूडेंट्स को स्कॉलरशिप दी जा रही है और नेशनल लेवल की स्कॉलरशिप के लिए उन्हें प्राथमिकता देने पर भी जोर दिया जा रहा है। ये सभी कोशिश उन छात्रों के लिए की जा रही है जो आर्थिक रूप से कमजोर हैं। इसके अलावा SC ST स्टूडेंट्स के लिए भी कई तरह की स्कीम चल रही है। लेकिन अगर आंकड़ों पर नजर डालें तो पढ़ाई छोड़ने वालों में सबसे ज्यादा स्टूडेंट्स OBC कैटेगरी के हैं। इसके बावजूद उनके लिए कोई स्पेशल स्कीम या स्कॉलरशिप का प्रावधान नहीं है। ऐसे में अब आपको क्या लगता है कि सरकार को क्या कदम उठाना चाहिए जिससे कि छात्र अपनी पढ़ाई आधे में ना छोड़ें? और क्या वाकई OBC कैटेगरी के छात्रों के लिए कोई स्पेशल स्कीम या स्कॉलरशिप का प्रावधान करना चाहिए? आपकी जो भी राय हो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए और हमारे चैनल THP News को फॉलो और सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए।